Hello, radiographers. Today we will learn how to stop a printing film. Currently, we are working on a GE Revolution machine software. आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जैसे GE मशीन में अगर हमसे बाय मिस्टेक कोई फिल्म प्रिंट हो जाता है जो अनवांटेड है, जो हमें नहीं चाहिए था, तो उसे स्टॉप करने का इस सॉफ्टवेयर में ऑप्शन नहीं है. तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपसे कोई अनवांटेड फिल्म प्रिंट हो जाता है, तीन चार पांच जितना भी है, और आपको वो नहीं चाहिए था, उसे स्टॉप करना है, तो स्टॉप करने का ऑप्शन मैं बताने वाला हूँ ये कैसे स्टॉप कर सकते हैं आप. बिकॉज आप अगर फिल्मिंग में आते हैं तो यहाँ पे फिल्म हिस्ट्री में या फिर फिल्म सेटिंग में, सेटिंग्स में कहीं पे भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप जो फिल्म प्रिंट हो रहा है उसे स्टॉप कैसे करेंगे. यहाँ पे पॉज का ऑप्शन है बट ये कुछ काम नहीं करता है. आप लोग ने अगर ट्राई किया होगा तो आपको मालूम होगा कि जीई के मशीन में फिल्म प्रिंटिंग फिल्म को स्टॉप करने का ऑप्शन नहीं है. तो मैं आपको बताऊंगा. मेरे पास ये चार फिल्म है, यहाँ पे चार फिल्म है मेरे पास, और मैं इसको प्रिंट करने वाला हूँ, और इसे स्टॉप कैसे करना है मैं आपको वो बताने वाला हूँ. और अगर आपको फिल्म प्रिंट, गलती से फिल्म प्रिंट हो जाता है और आपको उसे स्टॉप करना है तो किस तरह करना है, आपने प्रिंट कर दिया है तो सबसे पहले आपको जाके प्रिंटर का ट्रे खोल के रख देना है, खोल देना है. मैं आपको बताता हूँ लाइव करके. ये मैंने प्रिंट फिल्म कर दिया, फिल्म प्रिंट कर रहा हूँ और यहाँ पे प्रिंट हो रहा है. बट यहाँ पे फिल्म क्यू में मैं अगर पॉज भी करता हूँ तो कोई ऑप्शन नहीं, ये फिल्म प्रिंट होते रहेगा. तो अब क्या करना है, यहाँ पर फिल्म प्रिंट हो रहा है आपका, तो ये जो फिल्म प्रिंट हो रहा है आपको इसे कैसे स्टॉप करना है मैं ये बताता हूँ. तो आपको ट्रे ओपन कर देना है, तो एक फिल्म जो है वो वेस्ट हो जाएगा बिकॉज वो अभी स्टक हो गया है. आपको यहाँ ये स्टॉप करके रखना है और अभी आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है. और हाँ, आपको आपके प्रिंटर में एक ऐसा स्टिकर होगा जिसमें जो आईपी एड्रेस है आपको इसका यूज होगा. आईपी एड्रेस हर प्रिंटर का अलग अलग होता है, ये मैं आपको शो नहीं कर सकता हूँ. तो आपको आपका आईपी एड्रेस नोट करना है और अभी आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ ये आईपी एड्रेस का क्या यूज है आपको आगे. आफ्टर ओपनिंग द ट्रे आपको किसी भी कंप्यूटर में आना है जिससे आपका सेम नेटवर्क से आप जिस कंसोल में सीटी स्कैन करते हैं उससे, और या फिर आपका ऑसरिक्स या फिर कोई भी कंप्यूटर जो आप यूज़ कर रहे हैं फिल्म स्टॉप करने के लिए, वो एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड होना चाहिए. आप ऑसरिक्स का यूज़ कर सकते हैं जिसमें डॉक्टर्स रिपोर्टिंग करते हैं. तो आपको गूगल क्रोम पे आना है, यहाँ पे टाइप करना है HTTP then आपका प्रिंटर का जो आईपी एड्रेस है वो टाइप करना है. मैं मेरे प्रिंटर का आईपी एड्रेस टाइप कर रहा हूँ. ये टाइप करने के बाद में आपको इंटर करना है. इंटर करने के बाद में जो सबसे टॉप पे दिखाएगा आपका आईपी एड्रेस, देन लिख के आएगा एडमिन लॉगिन यूजर नेम एंड पासवर्ड, इस पे क्लिक करना है आपको. उस पर क्लिक करने के बाद में आपको स्क्रॉल करना है, नीचे की तरफ आना है. स्क्रॉल करके नीचे आना है, जहाँ पे लिख के दिखाता है लॉगिन आपको वहाँ पे क्लिक करना है. यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक किया. लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है सर्विस इंजीनियरिंग टूल, आपको इस पर क्लिक करना है. सर्विस इंजीनियरिंग टूल पर मैंने क्लिक किया तो इसमें आपको यूज़र नेम जो टाइप करना है वो है MEGA, और आपका जो पासवर्ड है वो ADONIS. ये टाइप करना है आपको. उसके बाद साइन इन करना है. साइन इन करने के बाद में आपको यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आएंगे, तो आपको सेकेंड लास्ट ऑप्शन प्रिंट क्यू एडिटर पे आना है. प्रिंट क्यू एडिटर सेकेंड लास्ट
मैं प्रिंट के विक्टर पे क्लिक किया, अब मुझे बता रहा है क्योंकि एक फिल्म स्टक हो गया है वहाँ पे। यहाँ पे टोटल 4 फिल्में 0, 1, 2, 3, तो जो 0 वाला है वो तो वहाँ स्टक हो चुका है, उसको हम अब कुछ नहीं कर सकते। बाकी के 3 फिल्म हम डिलीट कर सकते हैं, तो आपको क्लिक करना है सिंपली उस पर जो भी आपको डिलीट करना है। ये सारे पे मैंने क्लिक किया और सिंपली मुझे डिलीट, मैंने डिलीट दबाया तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ओके टू डिलीट द सिलेक्टेड जॉब, तो मैंने इसे ओके कर दिया। तो अब नो जॉब फाउंड लिख के आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपको अगर हिस्ट्री देखना है तो शो हिस्ट्री में आके आप देख सकते हैं, लास्ट प्रिंट कभी हुआ था 19 जनवरी को हुआ था, आज मैं 20 जनवरी को ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज का कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ये लास्ट फिल्म हुआ था 19 जन को। ओके सो जो भी आपका प्रिंट में प्रिंट क्यू में जो भी आपका फिल्म रहेगा वो यहाँ पे आपको शो करेगा। यहाँ पे भी नो जॉब फाउंड दिखा रहा है, तो बस आपको इतना करना है। ये डिलीट करने के बाद में चलो मैं आपको दिखाता हूँ मैं प्रिंट मेरा आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे वही एरर दिखा रहा है जो पहले दिखा रहा था, क्योंकि मैंने प्रिंट होते टाइम पे ही ट्रे ओपन कर दिया था। तो अब मैं वापस से ट्रे को इंसर्ट करूँगा और देखूँगा जो पेंडिंग फिल्म थे मेरे वो अभी आते हैं कि नहीं आते हैं। फिल्म जैम है उसकी वजह से पहले मुझे वो क्लियर करना होगा, पहले मैं वो क्लियर कर लेता हूँ। अब जो फिल्म फंसा हुआ है, अब जो फिल्म फंसा हुआ है मैं पहले उसे क्लियर करता हूँ। फिल्म जो फंसा हुआ था मैंने वो उसे क्लियर कर दिया हूँ और अब ट्रे इंसर्ट करना है। नाउ दिस इज रेडी टू प्रिंट। अब मेरा कोई भी प्रिंट नहीं बता रहा है कि कुछ क्यू में है या फिर कुछ प्रिंट हो रहा है। तो मेरे से 4 फिल्म अगर गलती से प्रिंट हो गया था तो मेरा एक फिल्म ही सिर्फ वेस्ट हुआ है, बाकी के 3 फिल्म मेरे बच गए हैं। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं फिल्म हिस्ट्री में आपको शो करता हूँ, यहाँ पे 4 फिल्म आपको दिखा रहा है कि प्रिंटेड है, बिकॉज यहाँ से मैंने 4 फिल्म प्रिंट किया था और यहाँ पे स्टॉप करने का कोई ऑप्शन नहीं है। वहां पे बस एक फिल्म मेरा जो वेस्ट हुआ है, बाकी के 3 फिल्म बच गए हैं वो पूरा अबॉर्ट करने की वजह से। आपको गूगल क्रोम पे जाके वो प्रोसीजर फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि जीई के मशीन में यहाँ से आपको सॉफ्टवेयर से यहाँ से आपको फिल्म स्टॉप करने का कोई ऑप्शन नहीं है। जो मैंने फिल्म क्यू में मैंने पॉज कर दिया था पर फिर भी वहां पे फिल्म आया ही था। अब मैं रिज्यूम भी करता हूँ तो भी यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, मुझे फिल्म वापस प्रिंट करना होगा अगर मुझे चाहिए तो। यही था फिल्म स्टॉप करने का प्रोसेस। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच।